नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जाती है, खबर वो है जो छुपाई जाती है। छुपी हुई खबरों को सामने लेकर हम आते हैं हर दिन रात 9 बजे। सीमा पर आतंक का एनकाउंटर देशभक्ति की गाथा कहता है, लेकिन देश के भीतर उसी आतंक का एनकाउंटर देशभक्ति पर सियासी ग्रहण लगा देता है। तुष्टिकरण की यह राजनीति वोट बैंक का पुष्टिकरण करती दिखाई दे रही है। पूछा जा रहा है, जेल से सिर्फ मुसलमान ही क्यों भागते हैं? माफ कीजिएगा, हम यहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन शहादत की उपेक्षा करने वाली सियासत को लानत करार दिया जा रहा है। और इस सियासी घमासान के बीच इलेक्शन कमीशन सियासतदानों से कह रहा है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी की बाघ की आंखों में आंखें डालकर फोटोग्राफी की दिलचस्प तस्वीरें, तो बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, जहां समाजवादी सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे छोड़ते हुए अखिलेश मर्सिडीज बस पर बने चमचमाते हाईटेक रथ पर कूच करने को तैयार हैं। तो कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह से मुलाकात कर सत्ता के नए समीकरणों को बहस दे दी है। तो पाकिस्तान में नवाज का तख्ता पनामा लीक की आंधी में झेल रहा है, तो राहिल शरीफ के सिर से सेना का ताज हटने वाला है, लेकिन दोनों शराफत को ताक पर रखकर सीमा पर बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं। तो दुनिया भर की खबरों के लिए आपको लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त देश की बड़ी खबरों से। पाकिस्तान ने आज फिर से जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। सांबा, जम्मू और राजौरी जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर गोलीबारी में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान की इस करतूत का बीएसएफ ने भी करारा जवाब दिया और पाकिस्तान के 14 पोस्ट को तबाह कर दिया। बॉर्डर पर लगातार हो रही गोलीबारी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन जम्मू सीमा से सटे इलाकों के 174 स्कूल कॉलेज को बंद रखने के आदेश दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने आज एक विवादित बयान दिया और एनआईए को इस मामले की जांच करनी चाहिए ये कहते हुए, कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए ये कहते हुए, जो मांग उन्होंने की, जो सवाल उन्होंने उठाया, वो हम यहाँ पर दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे लिए देश का हर नागरिक सिर्फ नागरिक है, न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न वो किसी धर्म और मजहब से बंधा हुआ है। लेकिन भारत के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा इस तरह का सवाल उठाया जाना आज पूरे देश के जहन में घूम रहा है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव जिस विकास रथ के सहारे यूपी की सत्ता एक बार फिर से काबिज होने को तैयारी कर रहे हैं, वो रथ आज सामने आ गया है। अखिलेश इसी रथ पर सवार होकर 3 नवंबर से राज्य के दौरे पर निकलेंगे। वही इसके ठीक 2 दिन बाद 5 नवंबर को एसपी रजत जयंती समारोह मनाएगी। इसके लिए अखिलेश और शिवपाल समर्थकों ने लखनऊ को पोस्टर से पाट दिया है। दोनों कार्यक्रम की सफलता ही इन दोनों नेताओं का पार्टी और राज्य में कद तय करेगी। समाजवादियों को एक करने निकले मुलायम सिंह यादव को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने झटका दे दिया है। नीतीश ने साफ कहा है कि 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में न तो वे खुद जाएंगे, न ही उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता। जेडीयू ने कहा कि मुलायम का परिवार कलह से जूझ रहा है और इस कार्यक्रम के जरिए एक पक्ष खुद को मजबूत दिखाना चाह रहा है, ऐसे में जेडीयू उनके पारिवारिक विवाद में नहीं पड़ेगा। राजनीतिक दल मतदाताओं को अब झूठे सब्ज बाग दिखाकर वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि राजनीतिक दलों को बड़े बड़े वादे करने से पहले स्टाम्प पेपर पर हलफनामा देना होगा और अगर वो उन वादों को पूरा करने में असफल रहे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उनका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया जाएगा। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार है। दलाई लामा ने ये भी कहा कि हम सभी को भारत के पुराने इतिहास के बारे में जानने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने चीन पर जमकर हमला बोला और कहा, चीन अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। दलाई लामा कांगड़ा चंबा के सांसद शांता कुमार और उनकी पत्नी संतोष सैलजा की लिखी पुस्तक हिमालय पर लाल छाया के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। एमपी के बैतूल में हर साल परंपरा के नाम पर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ हर साल दीपावली के दूसरे दिन बच्चों को
गोबर में लिटाने की एक अजीबोगरीब परंपरा है। लोगों का मानना है कि गोबर पर बच्चों को लिटाने से वो निरोगी होंगे। शायद इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि गोबर में खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जिससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। लेकिन परंपराओं को देखें तो भारतीय इतिहास में गोबर का विशेष महत्व रहा है। और आज ऐश्वर्या राय बच्चन का 43वां जन्मदिन है। ऐश्वर्या बॉलीवुड के उन गिने चुने एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिसने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती दोनों से लोगों को कायल किया है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैं दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या की खूबसूरती की काफी चर्चा हो रही है। 43 साल की उम्र में भी उनकी खूबसूरती उनकी पहचान बनी हुई है। और अब रुक करते हैं उस खबर का जिसने आज पूरे दिन देश की सियासत में भूचाल मचाए रखा। भोपाल में सीमी आतंकियों का एनकाउंटर कल ही खत्म हो गया था, लेकिन सियासी एनकाउंटर अब भी जारी है। कांग्रेस के चाणक्य दिग्विजय सिंह एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, तो बीजेपी इस पर वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगा रही है। आपको दिखाते हैं आखिर कैसे आतंक और एनकाउंटर को मजहब की कसौटी पर कसने की कोशिश हो रही है। सीमा पर आतंक के खिलाफ युद्ध छिड़ा हुआ है तो देश के भीतर शब्द युद्ध। जी हाँ, सीमा पर रोज शहादत के खून से देशभक्ति की नई इबारत लिखी जा रही है और देश के भीतर एनकाउंटर पर हो रही सियासत तुष्टीकरण पर बहस को हवा दे रही है। कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन जब जब देश में एनकाउंटर होते हैं मानो वोट बैंक की चिंता धर्म को आतंक से जोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। इशरत जहां का केस हो या सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, पटला हाउस एनकाउंटर हो या फिर भोपाल में सिमी के 8 आतंकियों का एनकाउंटर, हर बार फर्जीवाड़े के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इस बार भी मोर्चा संभाला है कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने, लेकिन इस बार वो एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। भोपाल से भी जेल तोड़ते हैं तो मुसलमान के सिमी लड़के निकालते हैं, मुसलमान धर्म के सिमी के लोग ही जेल तोड़ते हैं, कोई हिंदू नहीं निकलता। और जब जेल टूटती है तो उसमें मुसलमान ही भागते, हिंदू नहीं भागते। तो वही भोपाल सेंट्रल जेल में शहीद हुए गार्ड रमा शंकर सिंह को कांधा देने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एनकाउंटर पर सियासत करने वाली राजनीति को लानत करार दिया है। वोट बैंक की राजनीति करना, अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, ये मारे गए, पता नहीं बाहर जाके क्या कहर बरपाते अगर निकल जाते, लेकिन इनके लिए आसमान सर को उठाने की कोशिश हो रही है। और शहीदों की शहादत के बारे में दो शब्द नहीं बोले गए। मुद्दा एनकाउंटर का है और 5 राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव, ऐसे में सियासी गलियारों में प्रतिक्रिया आना भी स्वाभाविक था। तो ये जरूरी है कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। मैं मध्य प्रदेश सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी के लिए राजी हो जाए। जांच होनी चाहिए कि फेक इंकाउंटर है कि जेन्युइन इंकाउंटर है, इसमें संदेह है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। एनकाउंटर हुआ ये सच है, लेकिन वो फर्जी था या असली, इस पर सवाल है। 15 जून 2004 को अहमदाबाद के बॉर्डर पर जब इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ था तो कहा गया कि इशरत की मौत और FIR में एनकाउंटर के समय में फर्क है। मामले को सियासी रूप दिया गया। 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर भी न सिर्फ गुजरात बल्कि देश की सियासत की धुरी बनकर रह गया। राजकुमार पांडियन, डीजी वंजारा और दिनेश MN समेत कई बड़े अधिकारियों को जेल जाना पड़ा, लेकिन बाद में ज्यादातर अधिकारियों को क्लीन चिट मिल गई। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर भी जमकर राजनीति हुई, बावजूद इसके कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोहन चंद शर्मा इसमें शहीद हुए थे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने उस वक्त भी एनकाउंटर को फर्जी बताया और जांच की मांग की थी। सलमान खुर्शीद ने तो यहां तक कह दिया था कि मुठभेड़ की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम खुद बाटला हाउस एनकाउंटर को सही बता चुके हैं। अगर दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा है तो मुझे कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी से पूछना है कि जो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं क्या वो कांग्रेस पार्टी की लाइन है। एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं तो इसकी वजह भी होती है, लेकिन इस बार दो अलग कारणों से ये एनकाउंटर अलग है।
पहला कारण ये कि इस बार सवाल ये नहीं है कि मारे गए आतंकी थे या नहीं, और दूसरा कारण ये कि इस बार एनकाउंटर के पहले का वीडियो, एनकाउंटर के दौरान का वीडियो और एनकाउंटर के बाद का वीडियो पूरे देश के सामने। पुलिस ने आतंकियों पर गोलियां क्यों चलाई, आतंकियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं, इन सवालों की तह तक जाना मुश्किल नहीं, बस जरूरत है निष्पक्ष जांच। भोपाल एनकाउंटर की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो सच है कि एनकाउंटर पर हो रही सियासत देश के हित में नहीं है, खासकर तब जब दुश्मन सीमा पर घात लगाए बैठा हो। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। और अब दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर हालात लगातार परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। सेना ही नहीं, अब आम आदमी भी पाकिस्तान के निशाने पर है। किस तरह से जम्मू में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट को। पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ से लड़ने के बजाय अब निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रही हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने आज फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सांबा, जम्मू और राजौरी जिलों में रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे। पाक रेंजर्स की अंधाधुंध फायरिंग में एक महिला समेत चार नागरिकों की मौत हो गई और 12 घायल। हम अंदर ही बैठे हुए थे तो मेरी घरवाली ऐसे दरवाजे के सामने थी तो अचानक एक गेट के सामने हमारे गेट के बीच में एक बड़ा गोला, उससे एक हमारे घर के पास ही तो काम कर रही थी तो हमको तो मेरी घरवाली तो अंदर जाके लगी ना इधर सिर में। सोमवार को भी पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और राजौरी जिलों में गोलीबारी कर नागरिक बस्तियों पर गोले दागे थे, जिसमें एक सैनिक शहीद हो गया था तो एक बुजुर्ग महिला की भी मौत हुई थी। अरनिया सेक्टर्स में पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही गोलीबारी ने सीमा पर मौजूद गांव के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हाल ही के दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं निकला जब पाकिस्तान सैनिकों की नापाक बंदूकें बेलगाम न हुई हों। दोनों देशों के बीच घोषित युद्ध विराम लगातार टूट रहा है। पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ फायरिंग हो रही है बल्कि दहशतगर्दों की घुसपैठ करने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। हाँ, ये पाकिस्तान रेंजर्स का और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज का एक फ्रस्ट्रेशन है। जब लड़ाई एक सैनिक के साथ होती है, जब आप उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरा ये तरीका अपनाया जाता है कि सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का 60 से ज्यादा बार उल्लंघन किया है और अब तो पाकिस्तानी सेना अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों की अनदेखी करते हुए निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रही है, इंसानी मर्यादाओं को भी तार तार कर रही है। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में 7 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं तो पिछले 3 महीनों के आंकड़ों को देखें तो भारत के 42 जवान शहीद हो चुके हैं, जिनमें 10 सैनिक अकेले अगस्त महीने में शहीद हुए हैं, जबकि सबसे ज्यादा 24 सैनिकों की शहादत सितंबर महीने में हुई है और अक्टूबर में ये संख्या 8 पर पहुंची है, यानी इस साल कुल अब तक 76 जवान शहीद हो चुके हैं। इससे पहले 2009 में ऐसा हुआ था जब सेना के 79 जवान शहीद हुए थे। घुसपैठ का नया वीडियो बताता है कि पाकिस्तान कैसे आतंक की नर्सरी तैयार करने में जुटा है। ऐसे में मोदी सरकार और महबूबा मुफ्ती दोनों के सामने बड़ी चुनौती है कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो तो दूसरी तरफ सीमा पार से हो रही दहशतगर्दी को हर हाल में बंद किया जाए। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर में सीमा पर चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ देश के भीतर एनकाउंटर पर सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, तीसरी तरफ सियासत उत्तर प्रदेश और आने वाले चुनावों को लेकर भी
अगर हम कहें एकदम चरम पर पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर रायपुर पहुंचते हैं, यहां राज्योत्सव का शुभारंभ करते हैं और ऐसी तस्वीरें देश को दिखाते हैं कि दिन भर उन्हीं तस्वीरों को टीवी चैनल्स ने भी दिखाया। एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित जंगल सफारी का उद्घाटन किया पीएम ने और इस मौके पर फोटोग्राफी का शौक भी आजमाया। तस्वीरों में देखिए, हाथ में प्रोफेशनल कैमरा लेकर बाघ की तस्वीर लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात भी उन्होंने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्विटर पर शेयर करने के बाद की, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर अब टूरिज्म के देश के प्रधानमंत्री ही नजर आएंगे। नया रायपुर के नंदन वन जंगल सफारी में मोदी देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के अभियान में लगे, ऐसी इन तस्वीरों ने आज दिखाया। हम आपको मोदी के अलग अलग अंदाज की कुछ तस्वीरें और दिखा रहे हैं जो अलग अलग वक्त पे उन्होंने पिछले 2.5 सालों में दी है। एक के बाद एक तस्वीर देखकर आप कहेंगे वाह, ये स्टाइल है देश के प्रधानमंत्री का। देखकर हर किसी को देखने का बार बार मन करता है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं इस तरह की तस्वीरों में। लेकिन आज की तस्वीरें जापान में गए, हर वक्त कुछ अलग दिखाने की जो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होती है। टूरिज्म के आज उन्होंने साफ कहा कि टूरिज्म देश में बढ़ाने के लिए किस तरह से किस किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए, कैमरा हाथ में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया। तो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ और तस्वीरें आप देखेंगे जरूर, क्योंकि उनका ये सिर्फ शौक तस्वीरों का नहीं है बल्कि वो इससे एक मैसेज देने की कोशिश भी करते हैं। कितना दे पाते हैं, कितना जनता लेती है, लेकिन ये तो साफ है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उनकी जो ये कोशिश है अतुल्य भारत में आने वाले दिनों में मोदी जी की ये तस्वीर जरूर देखने को मिलेगी। बहरहाल हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, वापिस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के लिए और उसके बाद चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ देश में हो रही एनकाउंटर सियासत पर। अब वापस रुख करते हैं देश की सियासत का। समाधान नहीं बल्कि टकराव बन चुकी है देश की सियासत की तासीर। बात शिक्षा की हो, रोजगार की, स्वास्थ्य की, सर्जिकल स्ट्राइक की या फिर आतंक की, हर मुद्दे पर सियासी दल एक दूसरे पर निशाना साधते दिखाई देते हैं। सिमी आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर भी देश की सियासत इस कदर गर्मा गई है। आरोप लग रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी था। मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब भी मांग लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस विवाद के बीच सबसे बड़ी खबर बना कांग्रेस महासचिव का बयान। सवाल ये है कि आखिर दिग्विजय सिंह के इस बयान के मायने क्या हैं? हम उस सवाल को यहां दोहराना नहीं चाहते क्योंकि जिम्मेदार पत्रकारिता करते हैं और हमारे लिए देश का हर नागरिक सिर्फ नागरिक है, वो किसी भी धर्म या मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। सवाल ये है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या विपक्ष को अल्पसंख्यक जनाधार हासिल करने का मुद्दा बनाना चाहते हैं या फिर वाकई एनकाउंटर के पीछे की हकीकत कुछ और है जो नजर नहीं आ रही है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन साहब, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी से अबू आजमी और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सिंह जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। पुलिस के आला अधिकारी रहे हैं और आप वो भी डीजीपी, वो डीजीपी जिनका खौफ रहता था उत्तर प्रदेश में, इस एनकाउंटर को आप किस तरह से देखते हैं? पहला जजमेंट में आपका बतौर पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी समझना चाहती हूं। डॉक्टर मीना शर्मा जी, इसको मैं दो भागों में देखता हूं। जो जेल से पलायन हुआ वो एक बहुत बड़ी त्रुटि थी, प्रशासनिक अक्षमता थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये भागने में सफल हुए। नंबर दो, जो मुठभेड़ है,
इस मुठभेड़ में भी सवाल उठते हैं और ऐसी कोई मुठभेड़ ढूंढना मुश्किल है जिसमें सवाल न उठे हों। ऐसी मुठभेड़ ढूंढना मुश्किल है जिसमें कि निरंतर सवाल न किए गए हों, लेकिन सवाल करने का एक तरीका होता है, एक अंदाज होता है। आप ये पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हर मुठभेड़ के बाद 16 बिंदुओं के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप और हम एयरपोर्ट जाते हैं, हमारी आपकी तलाशी होती है, तो हम कहते तलाशी नहीं होगी, सवाल पूछे ही जाएंगे, लेकिन सवाल पूछने का एक तरीका होता है। अब जब कभी हम जातीयता की बात करते हैं और उसके बारे में उसके हम एम्पलीफाई करते हैं तो हम किसी की सेवा नहीं और डिससर्विस कर रहे हैं। 3 वीडियो आए हैं, अच्छी बात है, स्मार्टफोन का ज़माना है। 2008 के बाद से हमारे कर्मचारियों के पास भी इतनी क्रय शक्ति हो गई कि स्मार्टफोन लेके जाते हैं, और कई ऐसी मुठभेड़ें हैं कि पुलिसकर्मियों ने ही वीडियो बनाया है, जनता के व्यक्ति वहाँ शामिल थे और उन्होंने वीडियो बनाया। अब इसकी जांच फॉरेंसिक एग्जामिनेशन और साइंटिफिक एग्जामिनेशन के बाद ये पता लगेगा कि ये वीडियो सही थे गलत थे, लेकिन 3 बातें बिल्कुल सत्य हैं। एनकाउंटर दिन दहाड़े हुआ, एनकाउंटर जनता के व्यक्तियों के साथ हुआ, एनकाउंटर के दौरान पुलिसकर्मी कंट्रोल रूम से निरंतर संपर्क में थे और उनको अपनी मिनट मिनट की खबर दे रहे थे। जी, इस बात के बल मिलता है कि अगर फर्जी मुठभेड़ करने का कोई कारण होता तो जेल में ही कर दिया गया होता। उनको बाहर भगा करके ले जा करके फिर रौंद करके करना, जनता के सामने करना, ये शायद उतना आसान नहीं होता। तो मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दें, जो 16 बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं उसके आलोक में फिर आप देख लीजिएगा टीका टिप्पणी। जी, बहुत खूब और बहुत सही तार्किक रूप से आपने इस बात को रखा है, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, आज कांग्रेस पार्टी क्या सारे तर्कों को भूल गई है? तर्क कांग्रेस पार्टी ने पहले नहीं उठाए। इनकाउंटर के तुरंत बाद माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसकी जानकारी दी डिटेल, और तुरंत कुछ ही क्षणों बाद वहां जो एसपी थे एसएसपी थे उनका बयान टीवी पे आने लगा कि उनके पास सार वेपन थे, इनकाउंटर हुआ, किसी को कोई गोली नहीं लगी है, पुलिस 3 पुलिस वालों को चोटें आई हैं जो सार वेपन से लगे हैं और किसी को गोली नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद विजुअल्स आने लगे और विजुअल्स वो जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने ही जारी किए, वो सोशल मीडिया पे आए। तो ये तो रही इनकाउंटर की बात, वही लोग जो लोग इनकाउंटर में थे उन्हीं लोगों ने उस इनकाउंटर पे या जो लोगों के सामने हो रहा था सरकार के इस काउंटर पे प्रश्न चिन्ह लगाया, कोई दूसरा नहीं लगाया। और देखिए, पहली बात कि 3 दीवाल जो आईएसआई मार्क जेल है, 3 दीवार फांद करके 7 लेयर की सीसी कैमरे के उससे दूर जो निगरानी में उस जेल को पार करके भाग देश जाते ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने, अखिलेश प्रताप जी, पूरे देश ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने माना है ये प्रशासनिक चूक थी। बात इससे आगे हो रही है जो आज दिन भर आपके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, क्या एक जिम्मेदार विपक्ष को शोभा देता है उस तरह के बयान देना? मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले आप उनसे प्रश्न करिए, दिग्विजय सिंह या किसी का नाम लेने से पहले, कि जो मध्य प्रदेश के लोगों ने ही, ऑफिशियल्स ने ही इस इनकाउंटर पे सवाल उठाएं। हम उनकी पैरोकारी नहीं कर रहे हैं उन लोगों की, उन लोगों ने एक अपराध में बंद थे, अपराध किया, जेल तोड़ के भागे, एक की हत्या की, लेकिन उसके बाद जो हुआ उस पर उन्हीं लोगों ने सवाल खड़ा किया, इससे कौन इनकार कर रहा है? और आप, हम तो कह रहे हैं कि सरकार की बात हम मानने को तैयार हैं, लेकिन जब उन्हीं आपके ही मध्य प्रदेश से सवाल उठे तो आपको एक निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, काम खत्म। शहनवाज हुसैन साहब, कौन उनको आरोपित? शहनवाज हुसैन साहब, लोगों ने आरोप किया। अखिलेश प्रताप जी, अखिलेश प्रताप जी, मेरा सवाल आपके इन तमाम दलीलों के आगे था कि दिग्विजय सिंह जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वर्ग विशेष से, एक समाज विशेष से जोड़ने की कोशिश जेल से भागने वालों को जो कर रहे हैं वो कितना सही है? सवाल ये है जिसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। देश की जनता समझना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी जिम्मेदार पार्टी जो आज विपक्ष में है, वो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किस तरह कर सकती है, कैसे कर सकती है? लेकिन अभी मैं शहनवाज हुसैन साहब आपके पास आना चाहूंगी।
विपक्ष की और मध्य प्रदेश के जो लोगों की मांग है, जो लगता है कि सही है, स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जानी चाहिए। देखिए मीना जी, दिक्कत यह है कि इनकाउंटर पर इस तरह की सियासत कांग्रेस के जरिए होगी ये कभी कल्पना भी नहीं थी। इनकाउंटर पर जिसकी खुद महाराष्ट्र में जितने भी इनकाउंटर पिछले 15 साल में हुए हैं उससे ज़्यादा कहीं नहीं हुए कांग्रेस के ही राज में। इनकाउंटर पर दुनिया हिंदुस्तान में बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, उसके बारे में लोग अलग अलग राय बना चुके हैं, लेकिन ये जो इनकाउंटर है एक सिपाही की हत्या करके वहाँ से व्यक्ति भागा हो और वहाँ सबके सामने इनकाउंटर हुआ है, जैसा पूर्व डीजीपी साहब ने बहुत अच्छे से बात रखी कि वायरलेस संदेश भी आ रहा है, वहाँ पर लोग भी जमा हैं, पुलिस के लोग भी हैं, पुलिस के लोगों को क्या मालूम कि जो लोग भागे हैं जेल से बाहर में उन्होंने हथियार मिला कि नहीं मिला, वो तो उनको वहाँ पकड़ने गए थे, फिर इनकाउंटर हुआ है। इस पर ये जो विवाद दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि इनकाउंटर जेल तोड़कर भागते हैं तो मुसलमान क्यों, ये इनकाउंटर होता है तो मुसलमानों का क्यों, आप इसको सांप्रदायिकरण क्यों करना चाहते हैं? आखिर क्या दिग्विजय सिंह जी भूल गए हैं कि उन्हीं के राज में आज तक जितने इनकाउंटर कांग्रेस के राज में हुए हैं उन सब पर, उसमें भी बहुत सारे मुस्लिम होंगे लेकिन जो अपराधी है या आतंकी है उसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से क्यों कांग्रेस देखना चाहती? अगर आपको कोई जांच की मांग करनी है तो आपको इतराज नहीं है, आपका पूरा अधिकार है जांच की मांग करना। तो आप जांच को तैयार हैं कि जांच भी स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है? जब कोई भी इनकाउंटर हो, देखिए कोई भी इनकाउंटर होता है तो एक तो मजिस्ट्रियल जाँच वहाँ पर होती है, दूसरी बात सरकार ने तुरंत कहा कि NIA जो सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी है वो उसकी जांच करेगी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामलों का सांप्रदायिकरण कर दिया दिग्विजय सिंह जी ने, कांग्रेस कह देगी, अखिलेश जी कह देंगे उनके बयान से कांग्रेस का मतलब नहीं है, उन्होंने जो बयान दिया वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी मध्य प्रदेश के, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, वहाँ के कांग्रेस के महासचिव हैं, और उनका बयान, महासचिव का बयान तो अध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता। तो इस तरह की बात करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शाहनवाज हुसैन साहब देश की सत्तारूढ़ पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा कांग्रेस पार्टी उससे किनारा नहीं कर सकती है, आप क्या इस मंच से, ETV के मंच से और इस देश की आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप कम से कम वो जो कर रहे हैं उसे दरकिनार, उसे साइडलाइन कर दें कि ये विषय ऐसा नहीं है जिस पर हम कोई बयान दें, आप उन शब्दों का बार बार इस्तेमाल नहीं करें, आप ये नहीं कहें कि इस मजहब, इस धर्म, इस संप्रदाय के लोग, जिस तरह से बार बार दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा उसका 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 जवाब देने के लिए आपकी पार्टी ने 50 बार कहा, क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप पूरी तरह से इस विषय को छोड़ दें और बोले कि नहीं हम इस पे बहिष्कार करते हैं, दिग्विजय सिंह का इस विषय पे हम कोई बयान नहीं देंगे? कि वो जो बोलते हैं, सुनिए वो जो बोलते हैं वो आपके चैनल पे भी ETV पे मैंने देखा है, या तो आप सेंसर करा देती ETV पे, मैंने तो ETV में देखता हूँ, दिग्विजय सिंह का पूरा बयान ETV पे देखा है। आप भले नाम न ले रही हो मीना जी, आप प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आप इस मर्यादा को ध्यान रख रही हैं, लेकिन इस देश में इनकाउंटर चर्चा नहीं है, चर्चा यह है कि कांग्रेस के नेता इसका सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने शाहनवाज हुसैन साहब, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, शाहनवाज हुसैन साहब मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा उसका पूरी पार्टी, आपकी BJP, ये कहकर बहिष्कार करे कि हम इस विषय को महत्व नहीं देते, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। दिग्विजय सिंह को पार्टी से निकाल दे, कांग्रेस दिग्विजय सिंह को नहीं, कांग्रेस महासचिव पद से हटा दे, कांग्रेस उनको पार्टी से निकाल दे, इस पर चर्चा बंद हो जाएगी। मैं कौन चर्चा करने वाला नहीं करने वाला हूँ, पार्टी तो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग भी उस विषय को दिग्विजय सिंह ने जो कहा उस पे राजनीति के महासचिव वो बयान दे रहे हैं, तो सिर्फ बयान से किनारा करने को नहीं होगा। जी अखिलेश प्रताप सिंह मैं आपके पास आती हूँ, अबू आजमी साहब आपके पास आ रही हूँ, बस अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अबू आजमी साहब बस आए आपके पास, जी बोलिए अखिलेश जी।
देखिए शाहनवाज भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, पिल्ले को तुलना करने वाले पे कार्रवाई हो जानी चाहिए। नहीं, आप विषय से हट रहे हैं। बात बात में पाकिस्तान भेजने वालों पे कार्रवाई हो जानी। एक मिनट पूरी बात सुनिए सिर्फ एक। यहाँ पे प्रचार नहीं होगा, डिस्कशन होगा। जो वो कहे तो बुरा है, उधर से कोई कहे तो रामबाण है। वही मैं कह रहा हूं कि आप दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि इंक्वायरी हो, और कितने बीजेपी के लोगों ने क्या क्या शब्द प्रयोग किया है जिसको आज बहुत दुहाई दे रहे हैं हमारे शाहनवाज साहब की सांप्रदायिकता की बात ना करें। नहीं करते हम लोग, नहीं करते हैं। इनका अभी आप निकालें तो 2 घंटे की बुलेटिन आपको अलग से चलानी पड़ेगी। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप ही के प्रदेश के अधिकारियों ने यह प्रश्न खड़ा किया था उस एनकाउंटर पे। जी हम वो मैं कह रहा हूं अपराधी के नाते पकड़े गए थे, एक बड़ा अपराध किया, एक की हत्या की, जेल भागे। मुझे उनको भी जोड़ना है। अबू आजमी साहब, ये जो बयान आ जाए, माफ कीजिएगा शाहनवाज हुसैन साहब, बाद में आऊंगी आपके पास। अबू आजमी साहब, ये जो बयान आया और उसके बाद इस देश की सियासत आज पूरे दिन भर इसी विषय पे, उनके इन शब्दों पे अटकी रही, क्या ये भारत की राजनीति के लिए अच्छी है? नहीं, भारत की राजनीति में यही तो हो रहा है आज। आज जानबूझ करके मुसलमानों को साइड लाइन किया जा रहा है, हर जगह किया जा रहा है। उनके कॉमन सिविल कोड को कॉमन सिविल कोड लाना है, मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करना है, मुसलमानों के मजहब के अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है। कौन सी गलत बात है ये? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अखिलेश प्रताप सिंह जी बैठे हैं, हम लोग सब इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। इसके पहले बटला हाउस के अंदर इनकाउंटर हुआ था और वहाँ भी एक इंस्पेक्टर मरे थे। सारे देश की इंसाफ पसंद लोगों की मांग थी। दिग्विजय सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं कि बटला हाउस इनकाउंटर आपके समय में हुआ था, आप और बीजेपी में अंतर क्या है? आज तक आप लोगों ने बटला हाउस इनकाउंटर की इंक्वायरी सीबीआई से नहीं करवाया जी। आज फिर वही हुआ है जी। ये इनकाउंटर बिल्कुल शक के दायरे में आता है। मीना जी सुन लीजिए, आप मैं जेल में रह चुका हूं, मुझे भी बेकसूर पकड़ा गया था। और सुनिए, एक ऐसे जेल से भाग जाना नामुमकिन बात है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कोई भाग जाए जी। चादर से, बेडशीट से निकल गया आदमी, कूद गया। अरे भाई, बेडशीट से फेंका होगा तो बेडशीट पे जब वजन पड़ा हो तो बेडशीट गिरी नहीं क्या? क्या पहले से कोई आदमी वहां पकड़ के खड़ा था क्या? 8-8 आदमी गुजर गए और 20 फुट की दीवार से उतर गए और पूरे जेल को खबर नहीं? सबसे पहले जेलर को और वहां के ऑफिसर लोगों को जेल होना चाहिए, सीधा जेल सस्पेंशन के बाद, कि अगरचे ऐसे खूंखार लोग जेल से भाग सकते हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? और वही सीसीटीवी बंद है जहां पर ये लोग बंद थे, चार सीसीटीवी बंद है। क्यों बंद है चार सीसीटीवी? क्यों पुलिस वाले ड्यूटी पे नहीं है? ये सारी चीज एक जो है शक पैदा करते हैं। और देखिए, सुन लीजिए, जितने सीमी के लोग पकड़े गए हैं वो सब धीरे धीरे छूट रहे हैं। सीमी के नाम पर आतंकवाद पे पकड़े गए, आज तक सीमी आतंकवादी संगठन है, कोई भी सरकार प्रूव नहीं कर सकी। 16 साल हो गए, हाई कोर्ट में 200 पेज का जजमेंट आया दिल्ली में कि सीमी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाल के रखा है, जल्दी फैसला करवाइए कि सुप्रीम की सीमी आतंकवादी संगठन है कि नहीं, आज तक फैसला ही नहीं हुआ। अबू आजमी साहब, आपकी बात का सह सम्मान, आपकी बात को समझते हुए हम एक बात आपसे समझना चाहते हैं कि जब आप खुद कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में भी एनकाउंटर हुआ और बीजेपी की सरकार में भी एनकाउंटर हुआ, सभी सरकारों के दौरान आपके साथ अन्याय हुआ, तो क्या समाज को, भारत के नागरिक को, मेरे लिए वो मुसलमान नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक का हक उसे नहीं मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये समझ में नहीं आता है या आप लोग समझने नहीं देते हैं कुछ नेता? नहीं मिल रहा है, कहाँ हक नहीं मिल रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हक बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक समुदाय को, एक समुदाय को एक कटघरे में खड़ा कर दिया गया, शक की नजर से देखा जाता है। तो ऐसे में आज आप टीवी पे आतंकवादी क्यों बोल रहे हैं उन लोगों को? ऐसे में दिग्विजय सिंह जी आज उन 8 लोगों को आतंकवादी कैसे बोल सकते हैं आप? अभी तक सुनिए, एक मिनट मीना जी एक मिनट, 8 लोग आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? अभी तक फैसला नहीं कोर्ट का हुआ है, अभी तक सीमी आतंकवादी संगठन ने यह भी फैसला नहीं हुआ है,
आप ये कह सकते हैं 8 लोग जेल से भगौड़ा आतंकवाद के केस के आतंकवादी कैसे कहा जा सकता है। और ये दिख रहा है टीवी के इसके अंदर सोशल मीडिया में कि वो 5 लोग खड़े हैं, वो सरेंडर होना चाहते हैं, उनको सरेंडर क्यों नहीं कर दिया आप? दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, बिल्कुल पकड़े जा सकते थे वो लोग, वो सरकंडा नजर आ रहे हैं और 2 दिन में और नजर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, तार्किक रूप से डीजीपी साहब ने, पूर्व डीजीपी साहब ने विक्रम सिंह जी ने भी इसी बात को रखा। अभी केस चल रहा था, ट्रायल जिस तरह से होने थे उसके बाद जांच के बाद सारी बातें सामने आती। उससे पहले शहनवाज हुसैन साहब जो सवाल उठाया गया है, चाहे वो अबू आजमी की तरफ से उठाया जाए, चाहे मध्य प्रदेश के विपक्ष की तरफ से, चाहे मध्य प्रदेश के लोगों की तरफ से, ये जो सवाल उठ रहे हैं इनका सीधा सा जवाब है आपके पास कि वो निष्पक्ष जांच हो जाए जिस तरह की जांच इसके लिए जरूरी है? एक मिनट मीना जी, इसके बाद मुझे सवाल उठाने से पहले ही जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से बात की तभी एनआईए की जांच के आदेश दे दिए गए। अब जांच से पहले जांच पर सवाल उठाना ये एक आदत सी बन गई है। ठीक है, पहले कई बार लोग कहते हैं सीबीआई से कराइए, विक्रम सिंह सीबीआई को कहते हैं कि ये सरकार की कठपुतली है, तोता है, अभी फिर कहते हैं कि एनआईए जांच करे। विक्रम सिंह जी, ये जांच किससे होनी चाहिए? इंतजार कीजिए, दिक्कत ये है कि आपको शक, आप ये अबू आसिम आजमी साहब ने ये कहा कि आप उसको आतंकी नहीं कहें, बात सही है कि मीना मैं कुछ कहूं साबित नहीं हुआ। जी जी, अबू आजमी साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, विक्रम सिंह जी का एक छोटा सा जवाब लेके। अखिलेश जी मैं आपके पास भी आती हूँ। शहनवाज जी प्लीज, मेरे पास वक्त बहुत कम है। आपने कहा शक क्यों किया जा रहा है, जो जांच कमेटी बिठाई गई है उस पे, एनआईए की जांच पे शक क्यों है? विक्रम सिंह जी आप बताइए, विक्रम सिंह जी ये जांच एनआईए को करनी चाहिए? डॉक्टर मीना जी, सुप्रीम कोर्ट की, डॉक्टर मीना शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं कि जनपदीय पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती है और इसकी जांच सीआईडी से करानी चाहिए। उद्देश्य इसका यह है कि जब आपकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठता है तो आप ऐसी जांच कराएं जिससे कि विश्वसनीयता आपकी स्थायी रहे और उसके ऊपर दोबारा कोई आरोप प्रत्यारोप। अखिलेश प्रताप जी बहुत संक्षेप में, उसके बाद अबू आजमी साहब आपके पास आऊंगी, वक्त की बहुत कमी है। मीना, आपने जो विजुअल सोशल मीडिया पे चल रहा है देखा है कि एक को बाद में उसके विजुअल से एक को शूट किया जा रहा है जी। इन केस पता नहीं जिंदा था कि मरा था, अगर कुछ ऐसा था तो उसे पकड़ के, उसको जिंदा पकड़ के, उसकी दवा करके उससे बातें कबुलवानी चाहिए थी। और भी तमाम विजुअल्स मिल जाएंगे क्योंकि इनकाउंटर मरने के पहले भी लोग विजुअल्स बना रहे थे। जांच होगी तो बहुत सी चीजें और आ जाएंगी। ठीक है, अबू आजमी साहब बहुत संक्षेप में, जांच एनआईए की करने में क्या दिक्कत है आपको? बहुत संक्षेप में देखिए, पकड़ा था क्यों पकड़ा था? नहीं, मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है, मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं इस सरकार पर, जो शहनवाज साहब बैठे हैं, मैं उनके सामने कह रहा हूं, मुझे दिल्ली की सरकार पर 1% भी विश्वास नहीं है। मैंने हिमांशु त्रिवेदी जो एक जज थे गुजरात के अंदर, उन्होंने कहा कि मुझे प्रेशर था कि मैं मुसलमानों को सबक सिखाऊं, तो मैंने सरकार का प्रेशर नहीं माना और नौकरी छोड़कर न्यूजीलैंड में जाकर नौकरी कर लिया। मैं इस सरकार पे, आपत्ति मुझे समझ में आ रही है लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे माफी के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करना पड़ रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको लेकर चलते हैं हरियाणा, मिलवाते हैं यहाँ की रुझान चौधरी से। जी हाँ, हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से यंगेस्ट ऑथर का टाइटल जीत चुकी इस बेटी ने महज 8 साल की उम्र में नन्हे पंखों की उड़ान नाम की किताब लिखी है। साथ ही इतनी कम उम्र में काव्य संग्रह लिखने वाली रुझान देश की सबसे छोटी स्टोरी राइटर भी बन गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका की 15 साल की क्रिस्टोफर के नाम था। 5 साल की उम्र में लिखने वाली इस बेटी को अपने दादा से प्रेरणा मिली। 5th क्लास में पढ़ने वाली ये बेटी कविताएं अपनी रेडियो पर भी प्रसारित कर चुकी हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है।
आपके आसपास भी ऐसी सफल बेटियों की कहानियां हैं तो हमसे साझा करिए, हम जरूर दिखाएंगे। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, प्रदेश 18 की वेबसाइट पर अपने सुझाव दे सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, अपने आसपास की खबरों को हमसे साझा कर सकते हैं। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।